आज जहां शिक्षा को लेकर भारत सरकार के द्वारा कई पहल किए जा रहे हैं, वहीं एक ऐसा सरकारी विद्यालय भी है जो झोपड़ी में चलाया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिवान के बढ़िया के मुर्गिया टोला स्थित सरकारी विद्यालय की, जहां आज भी बच्चे झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर है। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा व ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक व आला अधिकारियों से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक भवन की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। आखिर कब तक ये बच्चे झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर रहेंगे? विधानसभा के मुर्गे टोला में एक स्कूल है, जहाँ पे हम लोगों ने एमएलए से बात भी किया, वहाँ पे अभी सिचुएशन बहुत खराब है और अभी तक स्कूल नहीं बनाया। हमारे नीतीश कुमार से अनुरोध है, वहाँ के भी लोग मुखिया को और विधायक और सांसद को वोट करते हैं, लेकिन वहाँ पे अभी बहुत सिचुएशन खराब है। अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी गई है, सरकारी स्कूल है।